नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगी योगेंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी, नो ड्रामा नो क्लिकबेट, ओनली टेक। दोस्तों, कई बार मैंने अपने चैनल पर आसूस के गेमिंग लैपटॉप की अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया है, लेकिन आपके कमेंट मुझे मिले कि ये लैपटॉप कॉस्टली है, क्योंकि मैंने जितने भी लैपटॉप का रिव्यू किया है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक की कीमत के होते हैं। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज मैं आपके लिए ले आया हूं एक आसूस का टफ गेमिंग बजट लैपटॉप, और ये बजट गेमिंग लैपटॉप है। आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और इसका एक क्विक रिव्यू भी करेंगे। तो इससे पहले कि आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए आज कुछ नया देख लेते हैं। ये है आसूस के टफ सीरीज का गेमिंग लैपटॉप, और ये जो लैपटॉप है इसे हम ओपन करते हैं। तो बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं तो एक लैपटॉप तो हमें मिलता ही है, जो कि मेन कंटेंट है। और इसके अलावा हम और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। और जब हम लैपटॉप को साइड में रखते हैं तो इसमें नीचे आपको दो ये बुक्स मिल जाती है, कुछ पेपर वर्क है, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, हालांकि कोई इनको पढ़ता नहीं है जल्दी से। चलिए इनको मैं रख देता हूँ साइड में और देखते हैं इसमें और क्या मिलता है। तो इसके जो राइट साइड में बॉक्स में हमको मिल जाता है ये पावर केबल, और ये जो पावर केबल है इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और इसके बाद लेफ्ट साइड में हम देखते हैं कि हमें आई थिंक बिल्कुल पावर अडेप्टर ही मिलेगा, और ये है पावर अडेप्टर, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। और टफनेस इसकी लैपटॉप की नज़र आती है, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन नज़र आता है इसका, और वाकई में टफ है ये। इसके अलावा अगर बात करें इसके पीछे की साइड, तो नीचे यहाँ पे साइड में नोटिफिकेशन इंडिकेटर दिए गए हैं, लाइट्स दी गई हैं, जो कि लगभग हर आसूस के गेमिंग लैपटॉप पर आपको मिल जाएगी। लैपटॉप को हम ओपन करते हैं और आपकी नज़र सबसे पहले जाएगी इसके कीबोर्ड पर, जो कि रेड है, बिल्कुल वाइट रेड कलर में ये काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। इसके अलावा ओवरऑल ये लैपटॉप का फ्रंट से लुक है और काफ़ी अच्छा लुक है। इसके अलावा साइड में आप देखिए यहाँ पर इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे गए हैं, मैं आपको मोटी मोटी तौर पर बता देता हूँ। AMD राइजन 5 का यहाँ पर प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है, और हाइपर कूल टेक्नोलॉजी के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, जो कि हम अभी देखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आप देखिए, साइड में ये टफ गेमिंग का जो लोगो है ये बिल्कुल उभरा हुआ है, डिज़ाइन नहीं है, ये वाकई में उभरा हुआ है। मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल डिज़ाइन जो है उभरा हुआ है, मतलब कि आप इसे फील कर सकते हैं, और काफ़ी यूनिक बनाता है इस लैपटॉप के डिज़ाइन को ये। लिड पर रेड आउटलाइन भी इसको काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव बना देती है, जो कि पूरे पर है। और इसके अलावा ये जो लैपटॉप है काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी नज़र आता है, इसके अलावा बैक साइड से भी काफ़ी अच्छा नज़र आता है। आसूस का लोगो है, इसमें कोई लाइट या नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। बैक साइड में आपको जो ये दिख रहा है ये है एंटी डस्ट पैनल, यहाँ से डस्ट ये नहीं जाने देता ताकि इसका सिस्टम जाम ना हो जाए। इसके अलावा जैसे कि बताया कि इसमें हाइपर कूल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, दो यहाँ पर फ़ैन दिए गए हैं, तो जो यहाँ पर पहला जो फ़ैन है वो आपके CPU को कूल करेगा और दूसरा आपके GPU को कूल करेगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ पोर्ट्स मिल जाते हैं, पहला DC का RJ45, HDMI, एक मिल जाता है 2.0 और 3.0 के दो USB, और इसके अलावा जो ऑडियो है उसका एक कॉम्बो जैक मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स दोनों साइड नीचे पीछे बैक में है, और रेड आउटलाइन इसमें भी आपको मिल जाएगी। दोनों साइड सेम डिज़ाइन के स्पीकर नज़र आते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं ये स्पीकर भी, क्योंकि रेड कलर है इसमें। और ये इसका नैनो एज डिस्प्ले है, डिस्प्ले का जो टेक्चर है वो काफ़ी यूनिक है, जो इस लैपटॉप को यूनिक बनाता है और वाकई में एक गेमिंग लैपटॉप लगता है। इसके अलावा डिस्प्ले में ऊपर सेंटर में आप देखिए एक कैमरा आपको मिल जाता है, जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। और नाइट में जैसा कि मैंने बताया कि जो इसका रेड कीबोर्ड है, इसमें बैकलिट भी रेड लाइट है, सिर्फ सिंगल लाइट है रेड कलर की, ये चमकती है। इसके अलावा अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें रैम आपको 8 GB मिलती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो प्रोसेसर है वो AMD रिजियन का 5 प्रोसेसर आपको मिलेगा, और इसके अलावा AMD वेगा का आपको GPU भी जो है देखने को इसमें मिल जाता है। और अगर बात करें हम इसके स्टोरेज की, तो इसमें 1 TB की जो है स्टोरेज इसमें देखने को मिलेगी। तो ये है ओवरऑल आसूस की तरफ से टफ सीरीज का एक गेमिंग लैपटॉप, जो कि एक बजट गेमिंग लैपटॉप यहाँ पे माना जाता है। विंडो 10 आपको इसमें देखने को मिल जाती है।
तो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू वीडियो Asus की तरफ से आने वाले टफ गेमिंग FX 505 डिवाइस लैपटॉप की। बात करें इसकी प्राइस की तो अमेजोन पे ये मिल रहा है अभी 60,000 से कम इसका प्राइस है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको पसंद आया तो आप बाय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं योगी योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।